दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका डिफिडेंस में। दोस्तों अगर आपने इस प्रकार के डंट अपने DTS में लगा रखा है तो आप सभी यहां पर हो जाइए थोड़ा सा सावधान कि दोस्तों इस प्रकार के जो भी नट होते हैं वो DTS को कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रॉब्लम में फंसा देते हैं और DTS आपका ख़राब हो जाता है या अथवा कहें NLB आपकी ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट प्रोडक्शन वाला एक जो एक बेहतरीन तरीके से कह सकते हैं नट आता है जो जिसके जरिए आप सभी अपने DTS के सिग्नल्स को आसानी से यहाँ पर कवर कर सकते हैं और जिससे आपका बॉक्स भी बचा रहेगा और आपके जो सिग्नल्स में भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी के एक यंत्र के जरिए इसको मैं प्रयोग किससे एक यंत्र से आप इसको मैं स्टेपलर से बताऊँगा इस स्टेपलर का काम क्या होता है, यूज क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर की यहाँ पर डिमांड आई कि ये यंत्र सर बताइए जो एक स्टेपलर आता है वायर को लगाने वाला उस स्टेपलर को किस प्रकार से यूज किया जाए। दोस्तों मैंने फिलहाल अभी इसको मैंने यहाँ पर परचेस कर लिया है अमेजोन से, तो दोस्तों मैं इसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जाकर आप भी इसको परचेस कर सकते हो बहुत ही सस्ते में आपको अगर मिल जाए। अगर आपको बहुत सस्ते में लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिएगा, डिटेल्स वो भी वहाँ पर जाकर आप ले सकते हो। तो सबसे पहले आप सभी करना क्या होगा, आप सभी इस प्रकार के काले वाले नट का भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे हमारे सामने दो प्रकार के नट देखने को मिलते हैं, ये कुछ इस प्रकार का ब्लू वाला टाइप का और एक ब्लैक टाइप का। दोस्तों दोनों ही अच्छे होते हैं। तो दोस्तों एक मैं बात आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो ब्लू वाला होता है वो कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन होता है। तो सबसे पहले आप सभी को इसको किस प्रकार से पंचिंग करना होता है, इसको किस प्रकार से करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको आपको अपने जो बॉक्स के यानी कि जो केबल होता है ऑक्स केबल यहाँ पर आपको देखने को मिलती है उसमें कुछ इस तरीके से आपको इसको लगा देना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद से आप सभी को सिंपल सा इसको अपनी मशीन को जो होती है इसको कुछ इस प्रकार से आपको फैलाना होगा। फैलाने के बाद से मशीन को आपको कुछ इस प्रकार से आपको रख देना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपने मशीन को अपने रख दिया, फिर उसके बाद से अपने मशीन को देखिए कुछ इस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से आपको रखना होगा मशीन को ध्यानपूर्वक ताकि इधर उधर ना हो। फिर उसके बाद से आप सभी इसको यहाँ पर लॉक कर देते हैं, देखिए यहाँ पर अभी लॉक देखिए अब आपको ये पूरी तरीके से हो चुका है। अब लॉक करने के लिए सिंपल सा ये करते क्या है, ये जो प्रेशर होता है यहाँ पर आप सभी को जो गैप दिखाई दे रहा है दोस्तों ये गैप ऑटोमेटिकली यहाँ पर भर जाएगा। देखिए ये देखिए दोस्तों ये एक सेकंड में यहाँ पर जो मेरी केबल वायर है वो बिल्कुल यहाँ पर इंस्टेंट टू इंस्टेंट यहाँ पर टाइट हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे केबल वायर बहुत ही आसानी से यहाँ पर निकल चुकी है और मेरा जो केबल वायर है बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हो चुका है। चलिए एक तरफ की मैं आपको अपने इस वायर के दूसरे एंगल को इसी तरीके से मैं करके आपको दिखाता हूँ दूसरा जो मेरे पास है। तो इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ सबसे पहले, तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर ये पड़ा हुआ है तो मैं इसको आपको स्क्रीन पर आपके लाइव अभी मैं काट वट के सब कुछ दिखा देता हूँ ताकि आप सभी को आसानी समझ में आ जाए। दोस्तों फिलहाल इसमें कोई आपको मैथमेटिक्स किया लगाने का कोई ज़्यादा काम नहीं है, बस आपको एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लेना होगा और आप सभी आसानी से इसका प्रयोग जो है आप खुद से भी कर सकते हो या तो किसी भी तरीके से आप आसानी से जो तो प्रयोग है वो आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये बहुत ही आसान सा और एक सरल तरीका रहता है। तो मैं चलिए इसको कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर सबसे पहले इसके वायर को मैं यहाँ पर काट लेता हूँ। तो वायर को काटने के लिए कुछ इस प्रकार से मैं इस मटेरियल का प्रयोग करता हूँ, तो मैं यहाँ से वायर को काट देता हूँ। मेरे पास फिलहाल यहाँ पर चक्कू नहीं है दोस्तों और मैं इस वायर को यहाँ से मैं काट दिया हूँ, ठीक है। देखिए वायर यहाँ से बिल्कुल अच्छे तरीके से कट चुकी है। फिर अभी आपको इतना मैं अभी काट के दिखाता हूँ क्योंकि इतना टूटा हुआ था, तो आप सभी को इसको अच्छे तरीके से छील लेना होगा। छीलने के लिए सिंपल सा आप किसी भी एक चक्कू या अथवा कहें आप इस प्रकार के यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पर आपको इसको ध्यान से देख लेना होगा किस प्रकार से आपको कैसे करना होगा। मैं इसको चलिए ऊपर से हटाता हूँ और इसको भी मैं ऊपर से स्लाइड करके निकाल ले रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से बहुत ही आसान तरीका रहता है दोस्तों, कोई भी इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और अपने वायर को आप आसानी से अपने इस नट के जरिए जो कि एक ऑक्स नट होता है इससे आप अटैच करा सकते हैं अपने वायर के DTS वायर केबल ऑक्स केबल से आसानी से ऐड कर सकते हैं अटैच करा सकते हैं इस नट के जरिए, ठीक है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर आसानी से मैंने छील दिया, अब ये पूरी तरीके से छील उठा है और इसमें कुछ इस प्रकार के देखने को मिलेगा पूछड़े वगैरह लगे हुए हैं, तो इन सभी को भी यहाँ पर सही तरीके से निकाल लेना चाहिए। और ये देखिए पूरी तरीके से हो चुका है ये एकदम सही।
अब मैं कोई भी एक केबल उठाता हूँ और इसके अंदर मैं इसको लगा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको बार फिर से दिखाता हूँ, इसको ऐड करके इसको इस प्रकार से लगाएंगे और उसके बाद से इसको अच्छे तरीके से आपको उसमें पकड़ के रहना होगा। और ये देखते हो कुछ इस तरीके से आपको स्टेपलर के थ्रू आपको पंचिंग कर देना चाहिए। और उसके बाद से ये देखिए आपका जो वायर है बिल्कुल यहाँ पर जो है एग्जैक्ट्स यहाँ पर लग चुका है और यहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से मूव भी हो रहा है, आप सभी की स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इससे आप सभी को वायर को बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिलती है और वायर में ना पानी वगैरह जाने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका रहता है। अगर आपको लगता है कि अभी ये और अंदर जाता है तो इसको आप दोबारा से भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि एक बार ही करते हैं, जो को लगेगा कि अभी और ये ब्लॉक होगा तो आप इसको पूरी तरीके से ताकत लगा के इसको यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो वायर है वो बिल्कुल तरीके से लॉक हो चुका है। दोस्तों इसी प्रकार से मैंने दोनों वायर को, मैंने यहाँ पर एक नीला और एक ब्लैक वाले को मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पर दोनों बहुत अच्छी तरीके से ऐड हो चुके हैं और ये बिल्कुल दोबारा से निकलने वाले नहीं है। तो गाइस ये आशा करेंगे आज की वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ी हर एक अपडेट आप अपने मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त कर सकें और यहाँ से आप अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप प्राप्त करते रहें आने वाले भविष्य में भी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मुलाकात होती है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।